इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज 24 जनवरी से किक ऑफ हो रही है और मैं जानता हूं कि आप सबको भी इसका बेसब्री से इंतजार है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो ड्रीम 11 या और किसी भी क्रिकेट फैंटेसी लीग या ऐप पर खेलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूं आपको बेस्ट ड्रीम 11 प्रेडिक्टेड टीम, जिससे आपके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इस टीम को हमने पूरा रिसर्च करके प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म और उनके क्रेडिट पॉइंट्स और उनके पर्टिकुलर ऑपोजिशन के खिलाफ रिकॉर्ड्स को देखते हुए चुना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है इस टीम में। सबसे पहले सबसे बेस्ट, मैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और एज ए विकेट कीपर केएल राहुल को चुनूंगा। न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन को नहीं छोड़ सकते, इनके अलावा मैं कॉलिन मुनरो और रॉस टेलर को लूंगा। मार्टिन कप्टिल को मैं नहीं लूंगा क्योंकि क्रेडिट पॉइंट्स का ध्यान भी रखना है और मार्टिन कप्टिल अच्छे बल्लेबाज तो हैं पर कंसिस्टेंट नहीं है। ऑलराउंडर्स में मैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम और वाशिंगटन सुंदर के साथ जाऊंगा। बॉलर्स में आज मैं बुमराह को नहीं लूंगा क्योंकि देखने में आया है कि इंडिया का बेस्ट बॉलर होने की वजह से ऑपोजिशन के बैट्समैन उन्हें बड़ा कॉशियसली खेलते हैं और उन्हें विकेट्स नहीं देते, बल्कि उनकी इकोनॉमी की वजह से दूसरे बॉलर्स विकेट ले जाते हैं, इसलिए मैं मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव के साथ जाऊंगा। दोनों आजकल विकेट्स में खेल रहे हैं और अच्छे पॉइंट्स लेकर देंगे। न्यूजीलैंड से मैं एक बॉलर स्कॉट कोगेलिन को लूंगा, उनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं इस सीरीज में क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्गसन चोट की वजह से नहीं खेल रहे हैं। कैप्टन में मैं केएल राहुल के साथ जाऊंगा क्योंकि वो बेहतरीन फॉर्म में है और विकेट कीपर होने की वजह से कैचेस और स्टंपिंग से भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलाएंगे। और वाइस कैप्टन में कॉलिन डी ग्रैंडहोम को चुनूंगा क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, इंडिया के खिलाफ चलते हैं, बैट और बॉल दोनों से पॉइंट्स बटोरते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड का पहला T20 24 जनवरी को ऑकलैंड में होगा और इंडिया के टाइम के हिसाब से मैच दिन में 12:20 पर स्टार्ट होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक धमाकेदार क्रिकेटिंग राइड के लिए। अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।